वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का खौफ फिर से बढ़ गया है। ओडिशा से आए हाथियों के दल ने कई गांवों में कोहराम मचा रखा है। हालात को देखकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में हाथियों का आतंक कब खत्म होगा, ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों से रहे सावधान। ओडिशा के गजराज मचा रहे कोहराम। तस्वीरें धमतरी की है, जहां पर ओडिशा से आए 30 हाथियों के दल ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि हाथियों ने पिछले 2 दिन में ही 3 लोगों की जान ले ली है, साथ ही कई घरों में तोड़फोड़ भी की है। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम उपाय बेअसर दिख रहे हैं। इसलिए वन विभाग ने धमतरी के करीब 20 गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल 30 हाथियों का दल पिछले 5 महीने से धमतरी और आसपास के जिलों में विचरण कर रहा है, लेकिन वन विभाग अब तक उन्हें हटाने में नाकाम रहा है। इसलिए वन विभाग के तौर तरीकों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेशवासियों को 3.25 साल में झुंझुना पकड़ा है। जैसे वादा खिलाफी हर क्षेत्र में की, वैसे हाथियों से जनता की, ग्रामीणों की रक्षा करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। 2019 से लेमरू प्रोजेक्ट पास होकर के पड़ा हुआ है, लेकिन लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, यहाँ तक लोगों की जान ले रहे हैं। और ऐसा लगता है मानो अब छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है, ना इंसानों से ना हाथियों से, और सरकार एक बेबस और लाचार सरकार की तरह बस बैठ करके देखेगी। और जनता भगवान भरोसे है, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने 3 हाथी अभयारण्य को चिन्हांकित किया। एक तो लेमरू हाथी प्रोजेक्ट, और दूसरा सेमरसोट, तीसरा तमोर पिंगला। इन अभयारण्य को विकसित करने का काम किया जा रहा है। जहाँ पे भी उत्खनन का काम था, उस पर कड़ाई से उसमें बंदिश लगाई गई है, ताकि हाथी अपने नेचुरल क्षेत्रों में जा सके। दूसरा, जो रहवासी इलाके हैं, वहाँ पे तमाम तरीके के ड्रम, रेडियो कलर आदि लगा के उनको उस इलाके से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक दिक्कत ये आ रही है कि जो पड़ोसी राज्यों से हाथी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि हाथी भी जंगल के रास्ते से ही हाथी रहवासी इलाके में जाएं। इसलिए लगातार वन विभाग प्रयास कर रहा है, और निश्चित तौर पर जो कार्ययोजना बनाई गई है, इसकी बड़ी जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में हाथी लंबे समय से ग्रामीण इलाकों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन्हें रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन वो कारगर नहीं हुए। हाथियों से परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि कई गांवों में लोग दिन के वक्त भी सहमे रहते हैं। देखिएगा, हमारे यहाँ पर 1988 से ही झारखंड और उड़ीसा से हाथी आते रहे हैं। कुछ हाथी यहाँ के नेटिव हो गए और कुछ आना जाना करते रहते हैं। उड़ीसा से आना जो है कोई नई बात नहीं है, और इसमें अभी विशेष रूप से जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो ग्रामीण महुआ बीनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में, जहाँ पर अंदर हम बाहर वाले कोई भी बीनने नहीं जा सकते, वहाँ पर भी अभी हाथी से, उड़ीसा के जो हाथी है उससे घटना घटी है। तो इसमें मेन जो है हमारे ग्रामीणों को ही जागरूक होना पड़ेगा। वन विभाग बुनियादी करा करके उनको बता दे रहा है कि हाथी घूम रहा है, उसके बाद में भी निकल रहे हैं, तो ये बड़ी खराब स्थिति है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 5 साल में 80 करोड़ का मुआवजा बांटा गया, 3 साल में समाधान के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, 12 जिले हाथियों से प्रभावित हैं, 3 साल में 261 लोगों की मौत हुई, तो 5 साल में 36 हाथियों की मौत हुई। अगर साल दर साल हाथियों और इंसानों की मौत के आंकड़ों पर गौर करें, तो 2016-17 में 74 लोगों की मौत हुई, 2017-18 में 63, 18-19 में 56 और 20-21 में 57 लोगों की जान गई। इसी तरह हाथियों की मौत पर नजर डालें तो 17-18 में 11, 18-19 में 17, 2019-20 में 9 और 20-21 में 12 हाथियों की मौत हुई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष कितनी बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में उड़ीसा के रास्ते जंगली हाथियों का आना लगातार जारी है। ऐसे में हाथी कई ग्रामीण इलाकों में घुसते हैं और तोड़फोड़ की घटनाओं की जानकारी लगातार सामने आती है।
हाथी और मानव द्वंद के कारण हाथियों की जान भी जाती है और ग्रामीणों की मौत की खबरें भी आती हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष सरकारी तैयारियों को काफी बता रहा है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि हाथी को रोक पाना संभव नहीं है। अगर कोई विशेष कार्य योजना बनाई जाए तो शायद घटनाएं रोकी जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।